हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे देखिए बॉयल्ड एग से पराठा। आपने एग की रेसिपी तो काफ़ी बनाई होगी, जैसे आमलेट बनाते हैं अक्सर, भुजिया बनाते हैं, पर एग बॉयल्ड का पराठा मैं बनाऊंगी। बहुत जल्दी बनने वाला है, जब आप सभी पराठों से उब जाते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इनको देखिए मैंने बॉयल कर लिया है, अब मैं इनको छील लूँगी। ये एग मैंने दोनों छील लिए हैं, आप चाहे तो ज़्यादा एग भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा पराठे बनाने हैं। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ इसलिए मैंने दो एग लिए हैं, और पीला भाग इसका निकाल देंगे। अगर आप चाहे आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अनहेल्थी होता है, थोड़ा सा वेट बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम करता है, तो आप चाहे तो इसका पीला भाग अलग कर सकते हैं। बस वाइट वाइट से हम बनाएंगे। तो एक अंडे में हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो ये प्रोटीन से भरपूर पराठा है और टेस्टी इतना लगेगा कि आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। तो देखिए मैंने अलग कर दिया है, आप चाहे अगर इसको खाना चाहते हैं तो बाद में हम इसको डालेंगे। इस तरह एक चॉपिंग कटर लेंगे हम, ये इस तरह अच्छे से चॉप कर देता है। इस तरह मैं इनको डाल लूँगी, एग को तोड़ तोड़ कर इस तरह डाल लीजिए। बस इस तरह इसको थोड़ा सा चॉप करेंगे। देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा, पराठा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पराठा बन जाएगा। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा ये। अब मैं इसमें बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं ये भी डाल दूंगी, पीला भाग भी डाल दीजिए। अगर बड़े लोग खाना नहीं चाहते हैं तो मत डालिए। इनको भी इस तरह मैश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि एसिडिटी वगैरह होती है ना, तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये अदरक लहसुन कुटा हुआ, थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने कुटा हुआ, और ये एक हरी मिर्ची, थोड़ा सा हींग भी ऐड करेंगे एक चुटकी के आसपास। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। हरी मिर्ची काफ़ी है, अगर थोड़ा सा तीखा चाहिए तो आप इसमें रेड मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, बस ये काफ़ी है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने इसमें सब मिला लिया है। अब हम आटा लेंगे। आटा मैंने बस नमक डाला है इसमें, जो रोटी का आटा होता है उसी तरह ये लगा लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने देखिए एक लोई बली है, इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद हम इसको फिल करेंगे, इस तरह अच्छे से फिल करेंगे इसको। ये देखिए इस तरह सा आटा लगा के इसको हम बिना फटे ही है, आसानी से बन जाता है। तो इसकी कोई टेंशन ना ले कि ये फट जाएगा, क्योंकि हमने चॉप कर लिया है ना ये, तो ये आराम से बन के तैयार हो जाता है। देखिए बिल के तैयार है। अब एक तया ले लेंगे, तया मैंने गरम कर लिया है, इस पे डाल देंगे पराठे को आराम से। तो देखिए इजीली बन गया है, ट्राई कीजिएगा। और अगर ये अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस पे ऊपर से अब हम लगाएंगे देसी घी, इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। तो थोड़ा सा लगाएंगे घी, आप इसे बच्चों को भी बना के दे सकते हैं टिफिन में, क्योंकि जब कुछ ना हो बनाने के लिए, टाइम कभी कभी होता है कि कम रहता है सुबह मॉर्निंग में, तो आप इस तरह इसको बना के दे सकते हैं आराम से। तो इसको दोनों साइड से इसी तरह सेक लेंगे। पराठा बन के तैयार है। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। पराठे बन के तैयार है। देखिए दही या अचार के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद है, आराम से इसको परोसिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।